you get to see tone-based specific questions in that also, IFT also, NMAT also, CMAT also. मतलब भारत में जितने भी एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उसमें आपको पक्का टोन बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये टोन बेस्ड आरसी नहीं है बेसिकली, टोन बेस्ड क्या है भाई, क्वेश्चंस हैं। मतलब आरसी तो नॉर्मल होता है, उसमें पूछ देता है व्हाट इज द टोन ऑफ द पैराग्राफ। अब टोन्स के बेसिस पे दो क्वेश्चन हो सकते हैं, तीन टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। एक तो पूछ सकता है व्हाट इज द टोन ऑफ द पैराग्राफ, दूसरा ये बोल सकता है व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑदर। अब टोन ऑफ द ऑदर अलग हो सकता है, टोन ऑफ द आरसी अलग हो सकता है, बोलो हाँ ना भाई। पैराग्राफ बहुत सीरियस हो सकता है, उसमें बीच में कोई मजाक कर सकता है ऑदर, या कोई एक व्हाट यू कॉल इट मजाकिया तौर पे कोई सीरियस कंटेंट प्रेजेंट कर सकता है। तो टोन ऑफ द पैराग्राफ जो है वो तो सीरियस है, बट टोन ऑफ द ऑदर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो जाएगा, सरकास्टिक हो जाएगा, ह्यूमरस हो जाएगा। सो आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। इज द क्वेश्चन आस्किंग व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑदर, और द क्वेश्चन आस्किंग यू व्हाट इज द टोन ऑफ द पैराग्राफ। देयर आर टू डिफरेंट क्वेश्चंस, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। अब कुछ स्पेसिफिक टाइप्स के, अच्छा अगर आप जीवन में कभी जीमैट या जीआरई देते हो, ठीक है, तो भाई टोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल 10 से 11 क्वेश्चन, 12 सवाल, मतलब 10 सवाल तो मिनिमम मानो कि आरसी वाले सेक्शन में टोन्स के रहते हैं। इनफैक्ट कैट में टोन्स के क्वेश्चंस जीमैट से लिए गए। इनफैक्ट आज के डेट में भारत में जितने भी मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उसमें 90% जो क्वेश्चन टाइप्स हैं वो जीमैट से उठाए गए हैं। जैसे कि क्रिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग दुनिया में पहली बार किसमें आया भाई, जीमैट में। फिर ये कैट मैट जैट सब में, कैट जैट आईएफटी सब में आ गया। सिमिलरली रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का जो फैशन है पूरे दुनिया में, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का जो फैशन है पूरे दुनिया में, ये जीमैट से ही आया है, ये जीमैट से ही आया है। जीमैट 1916 से कंडक्ट होता एग्जाम है, कैट 94 में शुरू हुआ। तो पूरे दुनिया में ना आदमी के वर्बल एबिलिटी को चेक करने के लिए रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चंस को देना, ये फैशन जीमैट से ही शुरू हुआ है। जीमैट से पहले कहीं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आता नहीं। आज भी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का सेक्शन अगर आप देखोगे जीमैट में, 25 सवालों का पूरा एक सेक्शन होता है, 25 क्वेश्चंस का पूरा सेक्शन होता है, और बड़े कठिन पैराग्राफ्स के क्वेश्चंस होते हैं, राइट। ये तो थोड़ी सी जानकारी हम लोगों ने ली टोन को। अब टोन किस टाइप के आते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोन्स हो सकते हैं, या तो वो सब्जेक्टिव हो सकता है, या फिर बताओ क्या हो सकता है भाई, ऑब्जेक्टिव हो सकता है, या तो सब्जेक्टिव हो सकता है या फिर ऑब्जेक्टिव हो सकता है। सब्जेक्टिव ये क्या है यार, गाना सुनाई देता है क्या, भोजपुरी गाना सुन रहे हो तुम? सो एक चीज होती है सब्जेक्टिव और एक चीज होती है बताओ क्या बेटा, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब बताओ क्या होता है बेटा, फैक्चुअल। पिछले क्लास में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स के बारे में बात करी थी, इफ यू रिमेंबर, फैक्ट्स। पैराग्राफ में कोई डेटा आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट है, और सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है भाई, सब्जेक्टिव का मतलब होता है बताइए क्या, ओपिनियन। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप मुझसे पूछोगे कि सर मेरे को दोनों का एग्जाम्पल दो। सोचो कि कोई रिपोर्ट प्रेजेंट करी गई है, न्यूज़पेपर की रिपोर्ट, तो ये ऑब्जेक्टिव है कि नहीं है? लेकिन कोई इमोशनल कहानी बताई जा रही है तो बताओ क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव। कॉमेडी हमेशा बताइए क्या होता है, सब्जेक्टिव। सेम जोक पे आपको हंसी आ सकती है, मेरे को नहीं आ सकती, यस और नो। ह्यूमर सब्जेक्टिव होता है जी, इमोशन सब्जेक्टिव होता है जी, मोटिवेशन सब्जेक्टिव होता है जी, लेकिन सर्वे ऑब्जेक्टिव होता है हमेशा, रिपोर्ट ऑब्जेक्टिव होता है बेटा, न्यूज ऑब्जेक्टिव होता है, डिक्लेरेशन ऑब्जेक्टिव होता है। सो कहने का मतलब है कि आपके सामने पैराग्राफ जो आएगा वो या तो सब्जेक्टिव होगा या फिर ऑब्जेक्टिव होगा। अगर डेटा ड्रिवन पैराग्राफ है तो ऑब्जेक्टिव है, और अगर इमोशन ड्रिवन पैराग्राफ है तो वो फिलॉसफी है तो सब्जेक्टिव है, सर्वे है तो ऑब्जेक्टिव है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ टोन्स के टाइप्स को जरा हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है, और आप लोग के पास पेन कॉपी हो तो आप लोग इसका नोट्स बनाते रहिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है।
चलिए, सबसे पहले आ रहा है आपके सामने टोन, एसर्बिक, हार्श, सिवियर, बिटर, कॉस्टिक, विट्रालिक। एसर्बिक का मतलब क्या होता है? व्हेन द ऑदर इज यूजिंग वेरी हार्श टोन, ही इज इन डिसएग्रीमेंट विथ समथिंग, ही इज नॉट लाइकिंग समथिंग, ही इज यूजिंग अ वेरी हार्श टोन, ही इज यूजिंग वेरी रफ वर्ड्स। कोई न्यूज एंकर है, वो गवर्नमेंट के किसी पॉलिसी को लेकर के गवर्नमेंट को क्या कर रहा है? अक्यूज कर रहा है किसी चीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल, रवीश कुमार को देखेंगे तो हमेशा सरकार के खिलाफ बोलते हैं वो, ऐसा नो। सो उनका टोन क्या होता है? असर्बिक। असर्बिक का मतलब बिटर, बिटर, हार्श, सिवियर, कॉस्टिक। कॉस्टिक का मतलब होता है बाइटिंग, यानी कि ऐसा लगेगा जैसे शब्दों से आप किसी को काट रहे हो, बाइटिंग। यू आर नॉट, और एक और चीज होता है विट्रॉलिक। विट्रॉलिक का मतलब क्या होता है? व्हेन यू आर व्हाट यू कॉल इट, विट्रॉलिक का मतलब होता है व्हेन यू आर यूजिंग वेरी इनडिसेंट लैंग्वेज। यस, विट्टुपरस, गुड। निहाल ने बोला एक इसी से मिलता जुलता वर्ड, विट्टुपरस। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीइंग विट्रॉलिक एंड विट्टुपरस? निहाल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीइंग विट्रॉलिक एंड विट्टुपरस? जब आदमी थोड़ा सा माइल्डली अब्यूजिव हो जाता है, माइल्डली, when a person is mildly abusive, we call him vituperous. And the words, when the person is rough, harsh, right? But he is not being abusive. मैंने किसी को बोला कि तुम बेवकूफ हो, ये विट्रॉलिक है, गधे हो, विट्रॉलिक है, थोड़ा शरीर और ऊपर बढ़ाएंगे विट्रॉलिक हो जाएगा। अरे बोलो, हाँ यार, आम बोलचाल की भाषा में, दोस्तों में हम लोग यही तो रहते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स तुम्हारे लिए, टू ईच हिज ओन। यस, ठीक बात। एंग्री और इंडिग्नेंट एक टोन हो सकता है। एंग्री, इंडिग्नेंट, इसमें भी आ सकता है कि जो ऑदर है वो फ्यूरियस है। फ्यूरियस भी एक वर्ड हो सकता है। अब तीनों शब्दों में अंतर समझना होगा। फ्यूरियस हाइएस्ट ऑर्डर होता है भाई, बहुत ज्यादा गुस्सा। एंग्री थोड़ा सा कम होता है फ्यूरियस, और इंडिग्नेंट सबसे कमजोर होता है। इंडिग्नेंट में होता है कि आई एम नॉट लाइकिंग समथिंग, यू सेड समथिंग आई डिड नॉट लाइक, आई एम मेकिंग फेसेस। व्हेन द ऑदर थिंक्स दैट समथिंग इज अनफेयर, ही इज इंडिग्नेंट। व्हेन ही इज एंग्री, ही इज एंग्री, एंड व्हेन हिज एंगर इज रीचिंग एन एस्ट्रोनॉमिकल फिगर, ही इज फ्यूरियस। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द थ्री। अब हो सकता है कभी कभी पैराग्राफ में कि वो फ्यूरियस भी दे दे और एंग्री भी दे दे। कैट में ऐसे बहुत प्ले करता है, वर्ड प्ले। वो फ्यूरियस भी दे देगा और क्या दे देगा बेटा? एंग्री। आपको लगेगा दोनों तो मीनिंग सेम होती है, लेकिन आपको इंटेंसिटी ऑफ द पैराग्राफ देख के डिसाइड करना होगा कि आप ऑप्शन को फ्यूरियस मार्क करोगे कि एंग्री मार्क करोगे। तो वहां पर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हेलो, आर वी गेटिंग इट? यस ऑर नो? नेक्स्ट, अपोलोजेटिक। अपोलोजेटिक तब होता है जब ऑदर को रिग्रेट फील होता है। देखो अंतर समझो जरा। एक वर्ड हो सकता है रिग्रेटफुल भी। अरे बोलो, हाँ यार, अपोलोजेटिक तो हो ही सकता है, रिग्रेटफुल भी हो सकता है। अब अंतर क्या है कि कोई बंदा अपोलोजेटिक है और कोई बंदा रिग्रेटफुल है? अच्छा, एक और है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिग्रेटफुल एंड रिग्रेटेबल? Anyone? Difference between regretful and regrettable? How do we define the difference? People who are online, anyone? Ayushi, Varshney, maybe you can give me some answer. Yes? No idea. You don't know? No, sir. Oh. No problem. Anushka Pandey? Yes, sir. क्या अंतर मालूम है आपको दोनों में? शायद सर, एग्जैक्ट नहीं पता।
ट्राई करिए, मुझे भी शायद ही मालूम है, मैं भी ट्राई करूंगा, ट्राई करो। सर रिग्रेटफुल मतलब एक फीलिंग हो गई कि हम कोई चीज कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि हम उसको रिग्रेट कर सकते हैं, और रिग्रेटेबल मतलब, कोई काम ने पास्ट में शायद ऐसा किया जो हमको लग रहा है कि हम शायद रिग्रेट करेंगे, और रिग्रेटफुल मतलब हाँ किया हुआ। बहुत सुंदर है और बहुत सिंपल भी है। रिग्रेटेबल का मतलब रिग्रेट करने के लायक, माफी योग्य। अरे बोलो है या ना, रिग्रेटेबल। और रिग्रेटफुल का मतलब तुमने कुछ किया है। फॉर एग्जाम्पल तुम कहीं गए घूमने, गए ताजमहल घूमने गए और जो गाइड है तुमको घुमा दिया, पेठा ओठा पेड़ा वाला खरीदवा दिया, ताजमहल घुमाए घुमाया ही नहीं तुमको, तो तुम्हारे लिए जो एक्सपीरियंस होगा वो रिग्रेटफुल नहीं होगा, रिग्रेटेबल होगा। वो करके काम तुम रिग्रेट कर रहे हो, और जिसने गलती करी वो रिग्रेटफुल होगा, उसको जाके दो थप्पड़ जब मारोगे तो कहेगा आई एम वेरी रिग्रेटफुल। अरे बोलो आया कि नहीं है। तो जो गलती करता है ना वो रिग्रेटफुल होता है, और जो गलती को बर्दाश्त करता है ना वो रिग्रेटेबल होता है, वो एक्शन रिग्रेटेबल होता है। अरे बोलो आया कि नहीं आया। तुमने फंडा मेकर ज्वाइन किया, अच्छा नहीं पढ़ा रहे हम लोग, ऐसा होगा नहीं, हम लोगों ने धोखा दे दिया तुम। अबे तुम उसकी तरफ क्यों देख रहे हो, तुमको बोला था क्या वो? नहीं ना, मैंने बोला फंडा मेकर अच्छा नहीं पढ़ा रहे, वो उसकी तरफ देख रहा है। बेटा मैं गुम्मा मार देता हूँ यहीं से, बहुत भारी वाला गुम्मा मारता हूँ। एनीवे मजाक कर रहा। तो जो एक्शन होता है किसी का वो क्या होता है, रिग्रेटेबल होता है, और जो जो बंदा गलती करता है वो रिग्रेटफुल होता है। अरे बोलो आया कि नहीं। ठीक बात है। तुम पिछले क्लास में कहाँ थी, फैक्ट इन्फ्लुएंस जजमेंट के क्लास में तुम? हाँ तुम ही कहाँ कहाँ, मतलब रूम किराए उराए पे लिया था बाहर? एक महीना कौन बाहर रहता है, एक महीने की इमरजेंसी। मैं समझ रहा हूं, एक महीने की इमरजेंसी मैं समझता हूं। घूमने गई थी कहीं? नहीं, कैसे हैं वो? ठीक है, पापा की बात कर रहा हूं, पागल लड़की। चलो ठीक है, एनीवे अच्छा ना, मैं ऐसे ऐसे छोटे छोटे मजाक करते रहता हूँ, मेरे को लगता है क्लास में मजाक होना चाहिए, नहीं तो ऐसा जिंदा लाश बन के पढ़ने का क्या फायदा है ना। कुछ बच्चे होते हैं, हम कैट की तैयारी कर रहे हैं, अब हम हंसेंगे नहीं, जैसे जैसे कैट आएगा हम नहाएंगे भी नहीं, ऐसे सीरियस लोग, उनका कहीं नहीं होता है। बोलो समझ में आ रहा है, वो ऐसा नहीं, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीवन में। ठीक, रिग्रेटफुल में और अपोलोजेटिक में अंतर समझ में आ गया। रिग्रेटफुल में आप जब जो 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 बंदा गलती करता है वो रिग्रेट करता है, अपोलोजी थोड़ा सा ज्यादा क्या हो जाता है जी, इमोशनल हो जाता है, थोड़ा सा टर्म इमोशनल। व्हेन यू आर पर्सनली अटैच्ड टू समबडी यू अपोलोजी, यू प्रेजेंट योर अपोलोजी, एंड इफ इट इज वेरी फॉर्मल इट इज रिग्रेटफुल। अभी ऑल गेटिंग इट, यस ऑर नो? मतलब ऐसा तो नहीं होता है ना, कभी कभी टीवी होता है, टीवी की सर्विस डाउन हो जाती है तो थोड़ा ना आवर अपोलॉजीज फॉर नॉट गिविंग यू, वो बोलते हैं ना वी रिग्रेट द इनकन्वीनियंस। फॉर्मली जो होता है हम लोग रिग्रेट बोलते हैं, और जो थोड़ा सा पर्सनल होता है, अब पिताजी से कोई मतलब पिताजी से तुमको माफी मांगना है तो तुम थोड़ा ना बोलोगे पापा आई रिग्रेट, पापा इधर हो पहले, वहां पे अपोलॉजी चलेगी जी, राइट? सो व्हेन समथिंग इज वेरी पर्सनल अपोलॉजी, व्हेन समथिंग इज फॉर्मल वी गो फॉर रिग्रेट। You know, that's the usage of the words. Anyways, belligerent and bellicose, इन दोनों में क्या होता है ना, other बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं, argumentative होता है, hostile होता है, एक दूसरे को बेइज्जत कर रहा होता है, using very sharp words to accuse somebody, है ना, using very bad words to accuse somebody or something. We call it a belligerent tone or a bellicose tone. A bellicose tone is basically full of hostility. Hostile tone भी हो सकता है, तो hostile भी एक तरीके का tone है जो bellicose और belligerent को ही follow करता है, ठीक है? For example, America और US के US और USSR के बीच में अगर cold war हो रहा है तो वो दोनों एक दूसरे के लिए जो शब्द use करेंगे बहुत ही hostile शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। India और Pakistan
एक दूसरे के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं बहुत ही बेलिकोज होता है, अरे बोलो आया कि नहीं, बहुत ही बेलिजरेंट होता है, बहुत ही हॉस्टाइल होता है। आर यू ऑल गेटिंग इट? यस ऑन, ठीक बात है। नेक्स्ट नेक्स्ट, बायस्ड। सो जब आप जानते हैं कि किसी एक बंदे को हम लोग सपोर्ट करते हैं किसी चीज के लिए, तो हम लोग बायस हो जाते हैं, राइट? जैसे बीजेपी का प्रवक्ता जो होगा हमेशा बायस होगा अपनी पार्टी के लिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो स्पोक्स पर्सन होगा वो क्या होगा? बायस्ड होगा, राइट? तो इस टाइप का कोई पैराग्राफ आता है जिसमें किसी की गलती को भी सही बोली जा रही है तो वो बायस्ड हो जाएगा। कमिसरेटिंग, ये बहुत ही अच्छा होता है टोन और काफी ज्यादा पूछे जाने वाला टोन है। कमिसरेटिंग का मतलब होता है टू शो सिंपथी, टू शो सिंपथी। तो जब पैराग्राफ में बहुत ही सिंपथेटिक टोन का इस्तेमाल होता है, बहुत ही ज्यादा सिंपथेटिक टोन का इस्तेमाल होता है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? कमिसरेटिंग। व्हेन द ऑथर इज पोर्ट्रेइंग सम सॉर्ट ऑफ सिंपथी, किसी की डेथ हो गई एंड ही इज ट्राइंग टू प्रेजेंट हिज ग्रीफ, यस, सो दैट विल बी व्हाट? कमिसरेटिंग। फॉर एग्जाम्पल, आजकल बहुत ही ज्यादा एक टर्म यूज हो रहा है, एनिमल कमिसरेशन। एनिमल कमिसरेशन, एनिमल कमिसरेशन का मतलब पीपल हु टेंड टू शो सिंपथी टुवर्ड्स द कंडीशन ऑफ एनिमल्स। सो दिस इज अ टर्म व्हिच इज फ्रीक्वेंटली बीइंग यूज्ड इन न्यूज़पेपर्स दीस डेज, राइट? सो इस टाइप के वर्ड्स को थोड़ा सा अखबार पढ़ने से आप लोग को आइडिया लगता रहेगा, ठीक है? कॉन्डिसेंडिंग, कॉन्डिसेंडिंग टोन क्या होता है? कॉन्डिसेंडिंग टोन होता है जब एक बंदा किसी एक बंदे को नीचा दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर मोदी राहुल गांधी को और मिस्टर मोदी के बीच में बातचीत हो रही है और मिस्टर मोदी जी लगातार राहुल गांधी को नीचा दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो टोन होगा अपन लोग उसको कॉन्डिसेंडिंग बोलेंगे, टू शो सुपीरियरिटी। अरे बोलो आया कि नहीं? हाँ बताओ, बताओ बेटा। बेलिजरेंट, बेलिजरेंट हॉस्टाइल होता है, उसमें अंडर प्ले नहीं किया जाता है बेटा। फॉर एग्जाम्पल, जो कॉन्डिसेंडिंग होता है वो ज्यादा इमोशनल टोन होता है, उसमें स्मर्क्स ज्यादा होते हैं। स्मर्क समझते हो निहाल? स्मर्क्स, स्मर्क्स का मतलब क्या होता है? मैंने कहा कि अरे वो बहुत अमीर है, हाँ अमीर है, जानते हैं कितने बड़े अमीर है। नाउ दिस इज नॉट हॉस्टाइल, दिस इज नॉट बेलिजरेंट टोन, बट दिस इज डेफिनेटली व्हाट बेटा? कॉन्डिसेंडिंग। कॉन्डिसेंडिंग टोन इज यूजली व्हाट यू कॉल इट, वेरी सरकास्टिक, यस, यूजली वेरी सरकास्टिक। क्योंकि सरकाज्म में क्या होता है, आप दूसरे को क्या करते हो? आप नीचा दिखाते हो। अरे बोलो आया कि नहीं? अब दो शब्द हो सकते हैं आपके सामने, एक होता है सरकाज्म और एक होता है, बताओ क्या बेटा? सटायर, और एक होता है बेटा मॉक। अरे बोलो है ना? और एक होता है बेटा क्या बेटा? लैम्पून। अब ये चारों शब्दों का इस्तेमाल एकदम अलग है, बिल्कुल अलग है। सरकाज्म होता है जब हम किसी किसी को नीचा दिखाते हैं बाय वर्चू ऑफ सम कमेंट, ठीक है? सटायर होता है जब हम लोग किसी के ऊपर क्या करते हैं? टिप्पणी करते हैं, अधिकतर ह्यूमरस, हास्य होता है। सटायर इज मोस्टली व्हाट? ह्यूमरस। फॉर एग्जांपल, शेखर सुमन को अगर आपने सुना हो, शेखर सुमन का एक शो आया करता था, मूवर्स एंड शेकर्स, कितने लोगों ने देखा है? नहीं? अच्छा, एरॉन पेरी को कितने लोगों ने सुना है? अभी तुम लोग करते क्या हो बे? ना पढ़ते हो, ना शोज देखते हो, क्या देखते हो? कपिल शर्मा को? तुम्हारा फेवरेट शो कौन सा है? क्या देख रहे हो आजकल टीवी में? क्या कंज्यूम कर रहे हो? कुछ नहीं। यूट्यूब पे क्या कंज्यूम कर रहे हो? शॉर्ट्स। टीवी में क्या देखते हो? अरे टीवी तो देखते होगे ना? क्या फिटिश? क्या मतलब? ऐसा कुछ देखते हो बता ही नहीं सकते हो? गजब हाल है यार, मतलब। अरे चलो ठीक है, अच्छा है, वो भी तुम्हारा लाइफ है, ठीक है, ठीक है, चलो आगे देख। हाँ तो कोई बुराई नहीं है, ठीक।
सटायर में बता रहा है, सटायर होता है जब हम किसी पे कमेंट करते हैं और वो कमेंट क्या होता है, ह्यूमरस होता है, हास्य, बोलो करेक्ट है। मॉक, मॉक क्या होता है भाई, किसी का मजाक उड़ाना, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा, ये मत समझना, मॉक होता है किसी का क्या करना, मजाक उड़ाना। लैम्पून होता है टांग खींचना, मैं इसका टांग खींच रहा था। मॉक करना और लैम्पून करना दोनों अलग अलग होते हैं, बोलो हाँ या ना भाई। आप अपने पिताजी का या अपने छोटे भाई का मजाक उड़ाते हो कि मजाक करते हो, मजाक करते हो, मजाक करना अलग चीज होती है, मजाक उड़ाना अलग चीज। मजाक उड़ाना हमेशा नेगेटिव इंटेंशन से होता है, मजाक करना हमेशा एक हेल्दी इंटेंशन से होता है। आर वी ऑल गेटिंग इट, यस और नो? मम्मी कभी साड़ी उड़ी पहन के खूब बढ़िया सुंदर पूरा गहना होना पहन के संदूक से निकाल के बाहर निकले कभी, और आप बोले और मम्मी दूसरा शादी होगा क्या? तो ये मॉक थोड़ा कर रहा हूं, मम्मी से क्या चुटकियां ले रहा हूं, मजे ले रहा हूं। अरे बोलो हाँ यार, मजे लेना होता है। अब एक बार क्या हुआ, मेरे जेब में पड़े थे 20 रुपए और मैं गोलगप्पे खा रहा था जानकीपुरम में, और एक लड़का आया खड़ा हो गया, गुड इवनिंग सर। अब हम ना गोलगप्पा खा पा रहे ना रख पा रहे, वो मुआ खड़ा हो गया वहीं पे। अब हम जेब की हालात देख के ये भी नहीं पूछ सकते खाओगे ना रख सकता हूं, बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई, बोलो करेक्ट। अब आप मेरी मनोदशा समझिए, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि जाओ, ना मैं ये पूछ पा रहा हूं कि खाओ, जेब में पैसे ही नहीं है, और दो प्लेट में से आधे से ज्यादा खा चुका हूं। तो मेरे को एक आइडिया सूझा, मेरे को जो नेक्स्ट वाला दिया ना, मैं उसी में बोला लो 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 लो, अरे नहीं नहीं सर हम लोग खा चुके हैं। हम कहे ओके फिर तो बच गए, बच गए, यू नो। तो वो जो खड़ा था वो कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन वो क्या कर रहा था, मजे लेते हैं। आर यू ऑल गेटिंग? कभी कभी बिना बोले भी आदमी, आर यू ऑल गेटिंग इट? सो ये सरकाज्म, सटायर, मॉक और लैम्पून, ये चारों टोन बिल्कुल क्लियर है कि नहीं है? हाँ बताओ बताओ क्या हुआ आनंदिता, सवाल है कोई, पूछो पूछो सवाल, नहीं कोई सवाल नहीं, इतनी प्यारी बिटिया है मेरी, सवाल ही नहीं पूछती है, बहुत बढ़िया। ये देखो, कंटेम्पचुअस, डेराइजिव, डिस्पैरेजिंग। हाँ डिस्पैरेजिंग का मतलब बता, जो कोई जल्दी से पढ़ा होगा अगर तुम लोगों ने तो। हाँ बेटा किस पे, तुम पे प्यार था तुम्हारा, एक बार डिस्पैरेज, डिस्पैरेज, डिस्पैरेज क्या होता है जल्दी से बता दो मेरे को, क्या होता है डिस्पैरेज? रिया, समबडी इज डिस्पैरेजिंग यू मीन्स ही इज डूइंग व्हाट, ही इज मेकिंग यू अनकंफर्टेबल विथ वर्ड्स, मेकिंग समबडी अनकंफर्टेबल बाय वर्च्यू ऑफ यूजिंग अ फ्यू वर्ड्स इज नोन एज व्हाट बेटा, disparaging, making somebody uncomfortable, putting somebody in an uncomfortable situation by using certain words is known as what beta, disparaging. Embarrassing ka hi ek tarika hai, kisi ko embarrass karna ho to kya hum log us pe comment marte hain, to usse aadmi kya hota hai, uncomfortable hota hai, to us sthiti ko kya bolenge beta, disparage. Are you all getting it, yes or no? So when you are mocking somebody and somebody is getting uncomfortable, so that person is getting into a disparaging situation. Next, derisive. हाँ ये derisive बहुत ही derisive क्या होता है, किसी को deride करना, deride से आता है, deride का मतलब बेइज्जत करना, किसी को बेइज्जत करना, deride करना, derisive. तो डिराइजिव टोन जो होता है किसी को डिराइड करने के लिए होता है, और डिराइड का मतलब बेइज्जती होती है, ठीक बात है? नॉट मच, नॉट मच। नेक्स्ट कंटेम्पचुअस, या कंटेम्पचुअस भी वही होता है जब आप किसी को रिडिक्यूल करते हैं, RIDICULE, रिडिक्यूल, बीइंग कंटेम्पचुअस, कंटेम्पचुअस
When you ridicule somebody, you make fun of that person. You are being contemptuous to somebody, you are making fun of that person. अब जरा ridicule से related एक word हो सकता है reticule, reticule. क्या मतलब होता है इसका? Reticule का मतलब क्या होता है? हाँ, reserved. जो reserved होता है उसको reticent बोलते हैं. Reticent. Confused हो तुम reticule और reticent में? Reticule, reticent का मतलब होता है reserved person, जो बहुत ज्यादा बोलता नहीं है. Using very few words. रेटिक्यूल का मतलब क्या होता है? ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि ये रेडिक्यूल से काफी मिलता जुलता है. कोई बताएगा मेरे को? नहीं. रेटिक्यूल होता है लेडीज हैंड बैग. अ लेडीज हैंड बैग जिसमें वो लिपस्टिक पाउडर चूना अलता रख के चलती है सब, उसको हम लोग रेटिक्यूल बोलते हैं. अ लेडीज हैंड बैग. रेटिक्यूल कैसे? हाँ, ये देखो, ये जो बैग है रेटिक्यूल है. दिखाओ सबको, लाओ दिखाओ. देखो इसमें जैसे है ना, लिपस्टिक पाउडर चूना अलता, समझ रहे हैं, ये सब रंग उंग लेके महिलाएं जो चलती हैं, इसको हम लोग रेटिक्यूल. अ हैंड बैग विच इज यूज फॉर डेली यूटिलिटी पर्पज, स्पेशली यूज फॉर यूज बाय वुमेन. ठीक है, सो दिस इज वॉट यू कॉल अ रेटिक्यूल. सो आई होप द डिफरेंस बिटवीन ridicule and reticule is very clear. अरे बोलो, आया कि नहीं? ये एक verb होता है बेटा, और ये बताओ क्या होता है? एक noun होता है बच्चा. दोनों में फर्क होता है. ठीक है, इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? For example, Mrs. X was carrying a reticule which was not very costly, because of which she was ridiculed. है ना, तो ऐसा यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट, सिनिकल, शक्की आदमी होता है. सिनिकल, सिनिकल का मतलब होता है शक्की और सेल, सस्पिशियस. यस, सस्पिशियस. समटाइम्स वी ऑल्सो कॉल दैट पर्सन एक्सेंट्रिक, पागल आदमी, जो हर चीज पे क्या करता है भाई, शक करता है. ठीक है. अच्छा, ये ना स्केप्टिक से बहुत ही अलग होता है. स्केप्टिक भी, स्केप्टिक जो होता है ना, वो बंदा स्केप्टिक तब होता है जब उसके पास रीजन टू सस्पिशन होता है. सिनिकल वो पैथोलॉजिकली बीमार आदमी होता है. अरे बोलो, आया कि नहीं आया? दो टाइप के आदमी होते हैं. मेरे पास आपके ऊपर शक करने की वजह है, तब तो मैं स्केप्टिक हूंगा. स्केप्टिक, SCEPTIC. इसी का कहीं कहीं स्पेलिंग आपको यह भी देखने को मिल सकता है. अरे बोलो, हाना भाई, SKEP. अधिकतर आप यूएस में देखोगे तो यूएस वर्जन में क्या होता है, याद रखिएगा, यूएस में और यूके में, यूके के जो शार्प टोन्स होते हैं वो थोड़े से हाई होते हैं, सॉरी, यूएस के जो टोन्स होते हैं वो थोड़ा सा शार्प साउंड होता है, और यूके में थोड़ा सा क्या होता है बेटा, सॉफ्ट होता है. इसलिए जो चीज यूके में जिसकी स्पेलिंग होती है COLOUR, वही चीज यहां पे आके COLOR हो जाती है. अरे बोलो, आया कि नहीं? और वही चीज अब आज के जमाने में KOLOR भी हो गई है कहीं कहीं. ठीक है, तो आजकल नया जमाना है, आदमी कुछ भी किसी को बोलता है. तो इसी तरीके से डिक्शनरी में मीनिंग्स भी, स्पेलिंग्स भी क्या हो रही है, अभी चेंज हो रही है. अभी देखिए ना, मतलब अंग्रेजी की मर्यादा ही खत्म होती जा रही है. अभी एक गाना हमारा छोटा भाई था, वो सुन रहा था गाना गाड़ी में, हम गाड़ी चला रहे थे, तो कहा हम भैया एक गाना लगाते हैं, हमसे सुनो. लगाया, क्या नाम था उस गाने का, बेबी कम डाउन. हाँ भैया, मस्त गाना है. हम उसको तीन चार बार सुने, समझ ही में नहीं आया. तो हम के क्या इसका लिरिक्स जरा खोलो, तो उसके पास वो था अमेजोन वाला जो होता है. अमेजॉन वाला जिसमें टीवी में दिखता है, लिरिक्स भी चलता रहता है. तो एलेक्सा, एलेक्सा उसमें दिख रहा था. हमने कहा दिखाओ तो थोड़ा, उसने दिखाया, उसमें पता नहीं अंग्रेजी में क्या बोल रहा था वो, एकदम अंग्रेजी की हत्या. नहीं,
मतलब विचारों की, अंग्रेजी के विचारों की ही हत्या थी, अंग्रेजी भाषा को तो छोड़ ही दीजिए। तो वही है आजकल हो रहा है। तो कहीं कहीं स्केप्टिक की स्पेलिंग ये भी आपको देखने को मिल सकती है। इसमें कभी भी आप हतोत्साहित मत होइएगा। मान लीजिएगा कि थोड़ा उल्टा पुल्टा है तो ये अमेरिकन हैं, ये अमेरिकन हैं। और वैसे भी अमेरिकन, अमेरिका का सुप्रीमेसी बहुत दिन चलने वाला है नहीं, अब खत्म होने वाला है, ये अमेरिका जानता है भाई। 2047 तक अर्नेस्ट एंड यंग ने बोला है कि इंडिया जो होगी वो 47 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी होगी 2047 तक, यानी कि अभी से 25 साल के अंदर भारत का जो इकोनॉमी का साइज होगा वो 47 ट्रिलियन डॉलर होगा। आप समझ रहे हो इसका मतलब क्या होता है? वी आर गोइंग टू बी द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमी इन द नेक्स्ट 25 ईयर्स। और ये बात तो दिख भी रही है ना। सोचो ना, भारत जब आजाद हुआ 1947 में, तो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में उसको 2004 लगा। मतलब समझ देख रहे हो कितना साल लगा, लगभग 65 साल। अरे बोलो हाँ या ना। 65 साल भारत को लगा 1 ट्रिलियन इकोनॉमी होने में। ये 1 डॉलर नहीं है, ट्रिलियन है। 2 ट्रिलियन होने में केवल 5 साल लगा। 2009 तक आते आते भारत क्या हो गई, 2 ट्रिलियन। मतलब यहां से यहां तक केवल 5 साल में भारत आया। और अभी अनऑफिशियली 2020 तक आते आते भारत का अनऑफिशियल जो है वो लगभग 3.5 से 4 ट्रिलियन इकोनॉमी है, अगर हम लोग ब्लैक मनी को काउंट करें। अगर ब्लैक मनी को काउंट नहीं करेंगे तो 2.8 ट्रिलियन की इकॉनमी ऑलरेडी हम लोग हो चुके हैं, यानी कि 3 ट्रिलियन मोटा मोटा हम लोग हो चुके हैं। वो कब? जब कोविड था। कोविड नहीं होता तो अब तक 5 ट्रिलियन हम लोग टच कर गए होते। अरे बोलो समझ में आ रहा है कि? और ये माना जा रहा है कि 2030 तक वी विल बी अ 10 ट्रिलियन इकॉनमी। यूएस आज 16 ट्रिलियन पे है, हम लोग 10 ट्रिलियन पे चले जाएंगे। वी आर गेटिंग, वी आर पेसिंग वेरी फास्ट, थैंक गॉड। आप देखो ना, पिछले 3 सालों में कभी आपने सुना था कि भारत में कोई कंपनी एजुकेशन का धंधा करके 40,000 करोड़ की कंपनी बन जाएगी? कभी सुना था? 40,000 करोड़ की कंपनी, दिस इज मैडनिंग, राइट? यहां पे यूट्यूब चैनल से 10-10 हजार करोड़ की कंपनी लोग खड़ी कर ले रहे हैं यार। अंडरस्टैंड द साइज ऑफ द इकॉनमी। इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गजब आ रहा है साहब। आप देख रहे हो, मतलब भारत में किसी ने सोचा था क्या कि 5 घंटे में आप गाजीपुर लखनऊ से पहुंच जाओगे, 400 किलोमीटर 5 घंटे में जाओगे? ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में इंडिया में तो कभी किसी ने नहीं सुना था, ना सोचा था। हो रहा है ना, पॉसिबल। और क्या सरकार पैसा लगा के बनवाई? थोड़ा ना आएंगे। सरकार का पैसा लगा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाने में? नहीं, इट्स ऑल पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तुमको मालूम है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता क्या है? कितने लोगों को पता है? हाथ उठा, हाथ उठा। तुम लोग अखबार उखबार नहीं पढ़ते हो ना, कैसे जाओगे तुम लोग आईएम में? हमको समझ में नहीं आता। हाँ, अखबार पढ़ा करो। अरे बोलो हाँ या ना। मुंह बना के अंग्रेजी बोलने से इंटरव्यू नहीं निकलेगा। कुछ चाहिए बोलने के लिए? कंटेंट। और कंटेंट 2 महीने के इंटरव्यू की तैयारी में नहीं आता है, साल भर की मेहनत चाहिए। रीडिंग डेली करना होगा, अखबार तो कम से कम 15-20 मिनट पढ़ा करो भाई। ऐसा नो, ठीक है? बता दूं, जानते हो, जानना चाहते हो पीपीपी क्या होता है कि मैं यही पढ़ाऊं? बता दे ये भी थोड़ा सा, हमको मालूम। तुम लोग को ना एंजॉयमेंट चाहिए। नहीं, एंजॉयमेंट नहीं, एंजॉयमेंट करना भी है तो अच्छी चीज पढ़ के करो। भारत में सोचो कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ से गाजीपुर तक एक 8 लेन एक्सप्रेसवे बनाना है, बोलो हाँ या ना। इसको बनाने में लगेगा बताओ कितना? 50,000 करोड़। अब 50,000 करोड़ तो सरकार के पास है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत में 130 करोड़ की आबादी में केवल 4% जनता इनकम टैक्स देती है, यानी कि 100 में से केवल 4 आदमी इनकम टैक्स देता है, 100 सबको मलाई चाहिए। तो 4 आदमी के पैसे से 100 आदमी का सड़क कैसे बन जाएगा?
सरकार के पास इतना पैसा कभी आता ही नहीं है। आर यू ऑल गेटिंग इट? इन गाली सब देंगे सरकार को, वो जो जीवन में इनकम टैक्स कभी नहीं पे किया वो भी सरकार चोर है, उसे वो कितना पैसा दिया सरकार को, हम कहें पैसा दें सरकार को? सड़क सबको मलाई चाहिए, पैसा कोई नहीं देगा, सरकार कोई ना कोई इंतजाम तो करेगी ना साहब। तो क्या करती है सरकार कि योगी सरकार आती है, योगी जी कहते हैं, अच्छा डिस्क्रिशन, आई एम नॉट अ फैन ऑफ योगी, ठीक है, उत्तर प्रदेश का सीएम आता है कोई भरोसा नहीं है तुम लोगों का, कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। उत्तर प्रदेश का सीएम ये कहता है कि भाई, वो उत्तर प्रदेश का सीएम जो है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बुलाता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बोलता है यार सड़क बनानी है, पैसा है? पैसा तो नहीं है सर, सड़क बनानी है, बन जाएगा? बन तो जाएगा, कैसे बनेगा? ये फोन करता है, ये अंबानी को फोन करता है, ये एलएनटी को फोन करता है, ये गोम्स को फोन करता है, ये टाटा को फोन करता है, ये बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हाउसेस को फोन करता है, कहता है यार सड़क बनानी है। ये सब आते हैं, एक मीटिंग करते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ और सीएम के साथ। सीएम कहते हैं कि यार प्रिंसिपल सेक्रेटरी एक काम करो, इन लोगों को बनाने दो, क्या चाहिए सड़क बनाने के लिए? पहला लैंड चाहिए, अरे बोलो हाँ या ना। दूसरा इस लैंड का पैसा चाहिए, कॉस्ट ऑफ लैंड तो लोगों को देना होगा ना, जिसके जमीन पे तुम सड़क बनाओगे, जिसके जमीन पे सड़क बनाओगे उसको पैसा तो देना पड़ेगा, वो फ्री में तो दे नहीं देगा। तो हुआ कि भाई कैसे पैसा ये दिया जाए, तो अंबानी ने कहा कि आप फिर टेंशन मत लो, आप बस लैंड का जुगाड़ करो। तीसरा कि भाई क्या चाहिए, वर्कफोर्स चाहिए, अरे बोलो हाँ या ना। और चौथा पैसा चाहिए, बोले तो क्या, कैपिटल चाहिए। सड़क बनाने के लिए ये चार चीज चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा बनाने वाले वो और वो सड़क बनाने वाले लोग चाहिए, जमीन चाहिए और जमीन का कॉस्ट चाहिए। सीएम ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से कहा कि तुम लैंड का जुगाड़ करो। अब लखनऊ से गाजीपुर तक एक सड़क खींची गई और बीच बीच में जिसका जिसका खेत आया उनको नंबर दे दिया गया और उनसे कहा गया कि भाई ये तुम्हारी जमीन जो है आज से सरकार की, इस पर सड़क बनेगा, पैसा अपना आप लखनऊ आइए, लखनऊ आइए और आपको लखनऊ में पैसा मिल जाएगा। किसान सभा के लखनऊ में बैठे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा भाई लैंड तो हो गया, कॉस्ट कैसे होगा? अंबानी एलएनटी गोम्स टाटा इन्होंने कहा कि 400 किलोमीटर का स्ट्रिप है, अंबानी ने कहा 100 किलोमीटर हम बनाएंगे, एलएनटी ने कहा 100 किलोमीटर हम बनाएंगे, इन्होंने कहा हम बनाएंगे, इन्होंने कहा हम बनाएंगे, 100-100 किलोमीटर का टेंडर उठा लिया इन लोगों ने। 50,000 करोड़ का काम था, सब में बट गया कि 15-15,000 करोड़ रुपया ये लोग खर्चा करेंगे, अरे बोलो हाँ यार। फिर अब इनके पास पैसा है, लेकिन इनके पास जो पैसा अपने धंधे का पैसा है ना, ये कैसे लाएंगे? फिर ये जाते हैं बताएं कहां, विदेश कंपनी बैंक्स में जाते हैं, वेल फार्गोट्स, चेज मैनहट्टन है ना, HSBC, जो बड़े बड़े बैंक्स हैं उनके पास जाते हैं और ये कहते हैं यार देखो हमको आप लोन दे दो। तो ये जो विदेशी बैंक्स होते हैं ना जो डॉलर में देते हैं, इनका इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है, इंडिया में जो इंटरेस्ट रेट वो 6% 7% है, लेकिन ये लोग जो लोन उठाते हैं वो बड़ी कंपनी से जब उठाते हैं तो अपने एसेट्स को क्या करते हैं, मॉर्गेज कर देते हैं, क्या करते हैं मॉर्गेज। अब इनका रिफाइनरी है अंबानी का साथ, 5 लाख करोड़ की रिफाइनरी है, वो उन्हें 5 लाख करोड़ का है हमारा प्रॉपर्टी, रख लो अपने पास और हमको तुम दे दो क्या लोन 15,000 करोड़ का। लोन ले लिया, कितने परसेंट पे लिया? 2% पे लिया। कितने परसेंट पे लिया? अब जरा इन लोग का दिमाग देखो, ये लोग कितना तेज खेलते हैं। विदेशी बैंकों से मात्र 2% पे लोन लिया और फिर ये पूरा पैसा को ले आकर के रख दिया किसमें? SBI के पास। और SBI के पास रखा तो SBI ने से कहा कि हमारे पास 20,000 करोड़ है, कितना पैसा दोगे पर ईयर बताओ मेरे को इंटरेस्ट? SBI ने कहा कि 8% दे देंगे। उठाया 2% पे, पलटा SBI को कितने पे? बचत कितने का हुआ?
अब उसी पैसे से क्या खा रहे हैं, इंटरेस्ट खा रहे हैं। किसको मॉर्गेज रख के पैसा का, अपने रिफाइनरी को। अरे बोलो हाँ या कि नहीं। अब जब तक ये लैंड अलॉट हुआ तो लोगों से कहा गया ये लैंड कॉस्ट जो है तुमको 2 साल बाद पैसा मिलेगा। कितने साल बाद? अब ये 6 अगर 8% इनको हर साल इंटरेस्ट मिल रहा है तो 20,000 करोड़ पे 8% सालाने का मतलब होता है, अगर 10% है तो 2 करोड़ रुपया, सॉरी 20 करोड़ रुपया महीना। अरे बोलो हाँ यानी यानी कि साल भर में 100 करोड़ ये लोग क्या निकाल दे रहे हैं, इंटरेस्ट निकाल दे रहे हैं। इस लैंड कॉस्ट को वो होल्ड पे डाल देंगे 3-4 साल के लिए, पैसा आ रहा है रास्ते में। किसान कह रहे मेरा पैसा आ रहा है, मिल जाएगा, काहे घबरा रहे हो। और 3-4 साल तो सरकारी मुआवजा मिलना बहुत ही आम बात है। 4 साल तक पैसा रख दिया, खाली पैसा रख के 400 करोड़ रुपए उठा लिया इसे। उसके बाद आया कहा कि कितना पैसा देना है, तो कहा हमको 2 करोड़ चाहिए, हमको 5 करोड़ चाहिए, हमको 10 करोड़ चाहिए। कहा कि लो ले 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 जाओ खत्म। और वो पैसे को बाकी पैसे को रखा रहेगा ताकि उससे क्या आता रहे, इंटरेस्ट आता रहे। फिर उस पैसे से क्या शुरू करेगा, ये काम करेगा, काम करेगा। और ये काम चलेगा मान लो 5 साल, तो 20,000 करोड़ फेज वाइज एक ही बार तो लगेगा नहीं, धीरे धीरे लगेगा। और जो रिमेनिंग पैसा है वो तब तक पैसा क्या कर रहा होगा ये, और ये 7 साल अगर ये पैसा बैंक में रख दिया तो ये पैसा कितना हो गया, डबल हो गया, 20,000 करोड़ उठकर 40,000 करोड़ हो गया। और वो 40,000 करोड़ में से इसका इंटरेस्ट उसने क्या किया, वापस कर दिया, उसके पास फिर से कैपिटल पूरा खड़ा हो गया। यानी कि रिलायंस इफेक्टिवली 1 भी रुपया अपना नहीं लगा रहा है, वो खाली पैसा घुमा रहा है। और फिर जो पैसा आया उससे फिर कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद काम शुरू किया। फिर उसने सबने इसका काम क्या कर दिया भाई, कंप्लीट कर दिया। फिर सड़क बना, सरकार ने कहा साहब मुआवजा भी हो गया, वर्कफोर्स में आम आदमी को यहां पे लोकल स्तर पे काम भी मिल गया, कैपिटल भी मिल गया, सड़क बनाया। और सरकार से टाई अप किया कि अगले 30 साल तक जितना टोल आएगा वो सब हम रखेंगे साहब, सरकार ने कहा रखो। अब आपको ये लगेगा कि सरकार का क्या फायदा है इसमें, बहुत बड़ा फायदा है। पहला, हर टोल जो सरकार ये रिलायंस वसूलेगा इस टोल से, मान लो 675 रुपया हर गाड़ी पे वसूल कर रहा है, तो सरकार ये कहेगी कि भाई देखो हमारा तो नियम है, हम 18% जीएसटी लेते हैं। बात नहीं समझ रहे हो, ये तो भाई हम नहीं, ये तो सेंटर का है 18% जीएसटी। अब 600 रुपया या 500 रुपया अगर एक्सप्रेसवे का टोल है एक गाड़ी का, और एक दिन में गाड़ी गई और आई तो उसने 1,000 रुपया दिया किसको, रिलायंस को, इसमें से 180 रुपया 18% सरकार को चला गया खट से। और ये जब तक टोल वसूला जाएगा तब तक जाएगा, यानी कि सरकार कुछ ना करके 18% का पार्टनर हो गई बिजनेस में। लोन कौन लिया, रिलायंस, बनवाया कौन, रिलायंस, राइट। सड़क पे चल के मजा कौन ले रहे हो तुम, पैसा कौन दे रहे हो तुम, 18% उस पैसे का मिल किसको रहा है, सरकार को। सरकार भी मस्त है, रिलायंस भी मस्त है, तुम भी मस्त हो, सब मस्त है। और किसका पैसा लगा, किसी का नहीं, क्योंकि ये तो इंटरेस्ट के पैसे से बना है। अरे बोलो आया कि नहीं। इसीलिए कहा जाता है एमबीए करो, फाइनेंस पढ़ो। अरे बोलो हाँ या ना। जब फाइनेंस पढ़ोगे तो बुद्धि खुलेगी, जब बुद्धि खुलेगी तो जीवन में मजा आएगा। बोलो आया कि नहीं, ठीक, ये समझ में आया सबको, ठीक। डॉगमेटिक क्या होता है, क्या होता है डॉगमेटिक? डॉगमेटिक का मतलब होता है जब आप किसी, मतलब बोले तो ऑर्थोडॉक्स, क्या बेटा, जब आप किसी के बिलीफ या पर्सपेक्टिव से क्या होते हैं, अलग बात करते हैं, ठीक है। तो when you stand ऑपोजिट टू द beliefs ऑफ अदर्स, इट इज डॉगमेटिक, ऑर्थोडॉक्स, ट्रेडिशनल। हाँ नहीं, ऑर्थोडॉक्स होता है पुरानी सोच, अनऑर्थोडॉक्स होता है नई सोच, करेक्ट है ना। तो जो बंदा डॉगमेटिक होता है
वो पुरानी सोच का आदमी होता है ना, रूढ़ीवादी कहते हैं उसको हिंदी में, क्या बोलते हैं उसको, रूढ़ीवादी, है ना। सो ये ठीक बात है। अच्छा इसी में मान लो कि सैक्रामेंटल टोन आ रहा है, सैक्रामेंटल टोन बताओ क्या होता है, सैक्रामेंटल टोन, या फिर सैक्रामेंटल छोड़ दो, मिलता जुलता वर्ड आ गया सैक्रिलीजियस, सैक्रिलीजियस, सैक्रिलीजियस टोन का मतलब क्या होता है, व्हेन द ऑदर इज अगेंस्ट, नॉट अगेंस्ट ऑल द रिलीजन, ही इज मेकिंग फन ऑफ अदर रिलीजन्स, व्हेन द ऑदर इज मेकिंग फन ऑफ अदर रिलीजन्स, दैट टोन इज नोन एज सैक्रिलीजियस। किसी और धर्म का या सभ्यता का मजाक उड़ाना, उसके बारे में गिरे हुए शब्दों का प्रयोग करना, इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, सैक्रिलीजियस टोन। इज इट क्लियर? हाँ, अपने रिलीजन को सुप्रीम दिखाना और बाकियों को डिग्रेड करना, उसके लिए एक और टोन हो सकता है, और वो टोन होता है, मुझे याद आता है बड़ा सुंदर शब्द, देखिए एकदम अभी आया था तुरंत निकल गया, अभी आया था निकला है, हाँ गायब, अभी आ जाएगा फिर से, मैं बताता हूं तुमको, वो होता है जब आदमी अपने अपने रिलीजन की बहुत ज्यादा बड़ाई करता है और दूसरों को नीचा दिखाता है, तो एकदम अभी बस माँ कसम आता है मेरे को, बस निकला है, मैं बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, इमोशनल, इमोशनल ये तो मालूम है, बताने की आवश्यकता है नहीं, और एथिकल ये भी बताने की आवश्यकता है नहीं, एथिकल और इमोशनल बताने की जरूरत है नहीं। अच्छा कोई बता सकता है एथिकल में और मॉरल में क्या अंतर होता है, एथिकल वर्सेस मॉरल क्या डिफरेंस होता है, हाउ डू यू डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन एथिकल एंड मॉरल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, एंड व्हाट इज एथिकल, व्हाट इज नॉट एथिकल, व्हाट इज एथिकल, हाँ मतलब अ सोशल मॉरल सेट इज नोन एज एथिक्स and your individual morality is known as morality, correct na, ethics is meant to be followed in society, a law of the nation is not based off morality but ethics, the law of the land is not made out of morality but of what beta, ethics, while making law morality is not taken into consideration because morality of every individual is very different, but the ethics of the society is what beta, common। सड़क पे अभी एक वो जो महिला दिल्ली मेट्रो वाली है जो अभद्र वस्त्र पहन के निकली, अपने हिसाब से सही है यार, वो उसका मोरालिटी अलाउ करता है, आप कौन होते हैं किसी की भी मोरालिटी को चैलेंज करने वाले, हम पहने ना पहने, वो पहने ना पहने, अपनी मोरालिटी के हिसाब से ठीक है वो, लेकिन क्या वो एथिकल है, नहीं। एथिक्स मतलब क्या, वो दूसरे की मोरालिटी को हर्ट कर रही है, आर यू ऑल गेटिंग इट, यस और नो, सो दैट्स द डिफरेंस, मतलब सोचो उसके ऊपर अगर केस हुआ, उसके ऊपर अगर केस हुआ और कल के दिन उसका लॉयर जब कोर्ट में जाएगा तो वो एथिक्स का हवाला देगा कि मोरालिटी का हवाला देगा, मोरालिटी का, मेरा राइट है, वो यही ना बोलेगी कि लोग क्या बोलते हैं मेरे को नहीं फर्क पड़ता है, मेरा अधिकार है ये पहनने का, बिल्कुल सही है, तुम्हारा अधिकार है, बिल्कुल पहनो ना पहनो तुम्हारी मर्जी है, बिल्कुल उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके मोरालिटी की वजह से अगर दूसरे की मोरालिटी डेंट हो रही है, वहां पे अगर एक बाप और बेटा बैठे हैं और उसके सामने आप जाएंगी और आप कहेंगे हमको जो मर्जी हम पहनेंगे, तो बाप और बेटे का अगर आंखों से आंख शर्म से झुक रहे हैं तो ये आपकी गलती बिल्कुल है, you cannot disturb the rights of the others just because of the reason that you want to follow your own rights, that is against ethics,
आर यू ऑल गेटिंग इट? यस राइट. सो इसको एक एक बहुत बड़ा फिलोसफर है, कभी आप लोग उसको पढ़िएगा, कांत, इमानुअल कांत, नेचुरलिज्म पे बात करता है वो. और पूरे दुनिया में जो लीगल सिस्टम है, इमानुअल कांत, कभी इसको पढ़िएगा आप लोग, KEMANUEL, इमानुअल कांत, ये थ्योरी ऑफ नेचुरलिज्म के बारे में बात किया था. पूरे दुनिया के लीगल सिस्टम्स कांत को फॉलो करते हैं, लॉ बनाते समय, कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय. उसने राइट्स के बारे में बहुत मजबूत बात एक बोली है. क्या बेटा? राइट्स, अधिकारों के बारे में उसने ये बोला है कि राइट्स आर पर्सनल फ्रीडम, राइट्स आर पर्सनल फ्रीडम, बट राइट्स कैन नॉट इंक्रोच अपॉन द सोशल फ्रीडम. मेरी बात समझ रहे हैं? आपकी वजह से अगर सोशल फ्रीडम को हर्ट हो रहा है तो फिर आपका राइट नहीं रह जाता है. आप अपने घर के अंदर जो मर्जी हो करो, ये वो आपका प्राइवेट स्पेस है, वहां पे आपका पर्सनल राइट काम आता है. लेकिन जब आप सड़क पे आते हो ना, तो सड़क सिर्फ आपकी जमीन नहीं है, वो समाज की जमीन है. फिर वहां पे आप अपना प्राइवेट राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकते, वहां पे आपको सोशल राइट एक्सरसाइज करना पड़ेगा. आर वी ऑल गेटिंग इट? यस राइट. सो ये इमानुअल कांत की आप लोगों को पढ़ना चाहिए. हाँ, एथिक्स और मॉरलिटी के बीच में अंतर हम लोग बात कर रहे थे. एनीवेज, आगे यूफेमिस्टिक. जब आपको कोई चीज पसंद नहीं आती है लेकिन आप डायरेक्टली नहीं बोलना चाहते हो कि ये चीज बेकार है, तो आप दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हो जो दूसरों को बुरा ना लगे, है ना. फॉर एग्जाम्पल, कपड़ा किसी को आप खरीदने गए और दुकानदार ने आपको कपड़े दिखाए, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया, तो आप ये नहीं बोलोगे कि कपड़ा बहुत ही दो कौड़ी का है. बोलेगा कैसा लगा आपको कपड़ा? आप समझो दो कौड़ी का है, तुम दो कौड़ी के आदमी हो, ऐसे तो नहीं बोलोगी तुम. थोड़ा और अच्छे शब्दों का प्रयोग करोगी तो तुम क्या बोलोगी? अच्छा है बट थोड़ा मुझे और बेहतर चाहिए था. When you say something which you don't like in a very polite way, in such a way that somebody does not feel offensive, is known as what, beta? Euphemistic. So euphemistic is a tone. Euphemism is a figure of speech. Euphemism is a figure of speech. The way of saying offensive things in a very inoffensive manner is known as what, beta? Euphemism. आया कि नहीं है? ठीक है. कुछ लोग बहुत नॉर्मल सी चीज को भी बहुत ही ऑफेंसिव वे में बोल देते हैं. जैसे आपने पूछा कि तुम्हारा जूता कितने का है, तुम बोलो कि तुम्हारा घर जाएगा. ऐसे आदमी को हमारे समाज में, अलीगंज में कोई बोल दे किसी को जूता कितने का, तेरा घर जाएगा, उठा के 10 चप्पल मारेगा आदमी मुंह पे. लेकिन यूट्यूब पे देखिए फैशन हो गया, ये कोई है एक बंदा रैप करता है, है? MC? हाँ, उसका नाम नहीं है क्या? कोई यही नाम है उसका, है? क्या नाम है उसका? हमारे गांव में MC बने अलग चीज होता है. ठीक ठीक है. एनीवेज, ग्रैंडियोस, ठीक है. मतलब नहीं, मतलब आ गया मन में तो हम बोल दिए. ठीक, ग्रैंडियोस. ग्रैंडियोस क्या होता है? बीइंग मैग्लो, मैग्लो वर्बोज, मैग्लो वर्बोज, यूज ऑफ बिग वर्ड्स, यूज ऑफ बिग वर्ड्स. बोलो करेक्ट है ना? टू पोर्ट्रे समथिंग ग्रैंड, समथिंग मोर इलैबोरेट देन व्हाट इज नेसेसरी. जैसे गाने जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं? ग्रैंडियोज होते हैं. हाइपर बोली, बिल्कुल सही बात है, बच्चे ने बहुत बोला, अच्छा बोला. हाइपर बोली, हाइपर बोल नहीं पढ़ते इसको, हाइपर बोली पढ़ते हैं. ठीक है, तो अच्छा, इसको हाइपर बोला मत बोल देना, वो ज्योमेट्री, वो अल्जेब्रा में अलग होता है हाइपर बोला. अरे हुआ था ये, एक क्लास में बोल रहा था बच्चा, कह रहा सर हाइपर बोला. अरे गलत बोला, हाइपर बोला नहीं, हाइपर बोली. ठीक है, हाइपर बोली यूज होता है क्या?
जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ा देना किसी चीज को, जितने भी गाने होते हैं वो क्या होते हैं भाई, हाइपरबोली होते हैं। मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए कोई ढूंढ के लाए, न जाने मेरा दिल कहाँ गया। अबे क्या बकवास कर रहे हो? अरे बोलो हाँ यार, सब सब बकवास पाते हैं। ठीक है, ह्यूमनिस्टिक। ह्यूमनिस्टिक का मतलब क्या होता है? ह्यूमनिस्टिक का मतलब व्हेन देयर इज अ वेरी ह्यूमन टच इन द पैराग्राफ, द ऑथर इज यूजिंग वेरी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच वाइल राइटिंग समथिंग, ही इज बीइंग वेरी एथिकल एट वर्ड्स एंड इज अप्रोच टुवर्ड्स समथिंग। व्हेन ही इज टॉकिंग अबाउट द सोशल वेलफेयर ऑफ पीपल, डेफिनेटली इट इज ह्यूमनिस्टिक। अरे बोलो हाँ या ना। द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ सोसाइटी, डेफिनेटली ही इज बीइंग ह्यूमनिस्टिक। ह्यूमनिस्टिक फिलैंथ्रोपी इज अ डिफरेंट टास्क। फिलैंथ्रोपी, फिलैंथ्रोपी इज एन एक्ट ऑफ गिविंग अवे समथिंग, द एक्ट ऑफ गिविंग अवे समथिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। यू हैव 100 रुपीज, यू डोनेटेड 80 रुपीज, फिलैंथ्रोपी। ओह यस, ह्यूमनिस्टिक इज अ टोन, फिलैंथ्रोपी इज नॉट अ टोन। फिलैंथ्रोपी इज एन एक्शन, ह्यूमनिस्टिक इज अ tone of saying something. So whenever you are talking about philanthropy, you are talking in a humanistic tone, because you are talking about something which is for the benefit of the common good, hai na? Humorous to batane ki zarurat nahi, humorous batane ki zarurat nahi, lekin humorous se milte julte ek do word la sakte hain. Jaise ki word ho sakta hai humorous, aapko malum hai kya hota hai humorous, bolo ha ya na? Dusra word isse milta julta ho sakta hai beta, jocular, जॉक्यूलर। तीसरा वर्ड हो सकता है बेटा जॉवियल। तो ह्यूमरस अलग वर्ड होता है, जॉक्यूलर अलग वर्ड होता है, जॉवियल अलग वर्ड होता है। जॉवियल में होता है फन फील्ड, फन फील्ड, खुशनुमा। जॉक्यूलर में क्या होता है, वो जोक मारता रहता है, वो जोक मारता रहता है, ठीक है। और ह्यूमरस में, ह्यूमरस तो एक टोन होता है, कोई किसी किसी का बोलने का तरीका ऐसा होता है कि कोई जोक नहीं मारेगा तब भी सुन के हंसी आ जाएगा, हो सकता है ह्यूमरस हो सकता है, कोई जॉक्युलर हो सकता है, जॉवियल हो सकता है, तीनों अलग अलग होते हैं। ठीक बात है, ठीक बात। इंट्रोस्पेक्टिव, हाँ ये बड़ा अच्छा वर्ड है, इससे मिलता जुलता बहुत सारे वर्ड्स पहले मैं लिख देता हूं, है ना। सबसे पहले ये वर्ड बनता है, बताओ किससे? स्पेक्ट से। इसी स्पेक्ट से बनता है बताओ क्या? स्पेक्टेकल, पहनते हो ना। तीसरा, तीसरा हो सकता है स्पेक्टेटर, जो तुम बन जाते हो। चौथा, इसी से वर्ड बनता है बेटा इंस्पेक्ट, इसी से वर्ड बनता है इंस्पेक्ट, इसी से वर्ड बनता है बेटा इंट्रोस्पेक्ट, इसी से वर्ड बनता है बेटा रेट्रोस्पेक्ट, इसी से बनता है बेटा सरकमस्पेक्ट, इसी से वर्ड बनता है बेटा स्पेक्युलेटिव, स्पेकुलेटिव, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स आपके पास हैं। स्पेक्ट माने देखना, स्पेक्टिकल मतलब जिससे देखते हैं, स्पेक्टेटर मतलब जो देखता है, तमाशा देखने वाला स्पेक्टेटर है, स्पेक्टिकल लगा करके स्पेक्ट करता है। एक स्पेक्टेटर स्पेक्टिकल लगा के स्पेक्ट करता है, बाद में इंस्पेक्टर आता है, जांच करने वाला, इंस्पेक्ट, जांच करना, फिर से अंदर देखना क्या हो रहा है, जांच। इंस्पेक्टर आता है, बस जूता मारता है, तुम बैठ के इंट्रोस्पेक्ट करोगे, क्या गलती करी थी? अरे बोलो हाँ या ना। खुद में ढूंढना कि क्या गलती रही, क्या अच्छा क्या बुरा, इंट्रोस्पेक्ट, कॉन्साइटल रियलाइजेशन ऑफ मिस्टेक्स,
सेल्फ रियलाइजेशन, इंट्रोस्पेक्ट। अरे बोलो हाँ या ना। 3 महीने बाद तुम्हारे साथ हुआ जो भूल जाओगे, फिर तुम्हारा दोस्त बोलेगा थाने में गए थे कैसा लगा, रेट्रोस्पेक्ट करोगे, पीछे मुड़ के देखना क्या हुआ था। रेट्रोस्पेक्ट, पीछे मुड़ के देखना कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, कितनी पड़ी थी, रेट्रोस्पेक्ट। अरे बोलो हाँ या ना। अब की बार जब भी सड़क पर निकलोगे कोई तमाशा होगा तो तुम स्पेक्टेटर नहीं बनोगे, पहले तुम सर्कमस्पेक्ट करोगे, चारों ओर देख लोगे कोई देख तो नहीं रहा है, सर्कमस्पेक्ट चारों ओर देखना। अरे बोलो आया कि, और स्पेकुलेट करोगे कि आगे कोई तमाशा तो नहीं हो रहा है, यानी कि आगे की चीजों का अंदाजा लगाना, बीइंग स्पेकुलेटिव, अंदाजा लगाना कि आगे क्या हो रहा है, स्पेकुलेटिव। सारे वर्ड्स क्लियर है? तो इंट्रोस्पेक्टिव का मतलब तो समझ में आ गया होगा क्या होता है। अरे बोलो हाँ या ना। इंट्रोस्पेक्ट मतलब अंदर देखना, झांक के देखना कि भाई क्या सही और क्या गलत। ठीक बात, वर्ड आ रहा है आपके सामने बहुत ही सुंदर, बताओ क्या बेटा, इनसेंडरी। क्या करते हैं बेटा, इनसेंडरी। और होता है एक वर्ड बेटा, बताओ क्या, प्रोवोकेटिव। इनसेंडरी और क्या होता है, प्रोवोकेटिव। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि प्रोवोकेटिव अलग होता है। अच्छा, प्रोवोकेटिव और मोटिवेट में अंतर समझते हो कि नहीं समझते हो? हाँ, मोटिवेट होता है पॉजिटिव, हम पढ़ने के लिए तुमको कहेंगे तो मोटिवेट करेंगे, और तुम्हारा दोस्त कहेगा चलो घुमा जाए, क्या रखा है इसमें, दारू पियो, अरे बहुत हेडेक है कल एग्जाम में, अबे छोड़ो दो पैक मारो सब भूल जाओगे टेंशन, सुबह उठो एकदम फ्रेश माइंड के साथ जाओ, पढ़ के क्या होगा जीवन में। वो क्या कर रहा है, तुमको प्रोवोकेट कर रहा है, गलत काम करने के लिए जो आपको सलाह दे वो प्रोवोकेट करता है, अच्छा काम करने के लिए जो सलाह करेगा वो क्या, मोटिवेट करता है। क्या ये क्लियर है कि नहीं? इंसेंडरी, इंसेंडरी भी वही होता है, क्या करता है, प्रोवोकेट करता है। इनसेंडियराइज वर्ड है बेटा, इनसेंडियराइज, इनसेंडियराइज का मतलब होता है बेटा आग लगाना, माचिस लगाना। अरे बोलो आया कि नहीं। किसी को गलत काम करने के लिए तिल्ली मारना, बोलो आ रहा है कि नहीं यार। ठीक बात भाई, ऑनलाइन वाले सारे बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अनुष्का पांडे, आयुषी वार्ष्णेय, यस सर, सुसंगीता मुखर्जी, यस सर। तुम्हारा नाम बहुत बढ़िया है, सुसंगीता। सुसंगीता, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम? सर, समवन हु लाइक्स म्यूजिक और हैज अ ग्रेट टेस्ट इन म्यूजिक। Somebody who likes music and has the right taste of music, correct? Yes, sir. ये माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों का नाम सोच समझ के रखते हैं। एक साले मेरे माँ बाप नाम क्या रखे, सूर्या। अरे साउथ में एक दिन गए हम, वेस्ट में गए, गुजरात में गए, सूर्या बोल रहे हैं सर, मत बोलो यार। साउथ में गए वो तो सूर्या को कुछ और ही बोल रहे थे, मैंने कहा ना ही बोलो यार, हम नहीं बताएंगे क्या बोल रहे। नाम का एक मीनिंग होना चाहिए, नाम का